अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रिमशा। अच्छा रिमशा क्या करती हूँ? मैं अटेंडिंग कर रही हूँ। क्या शौक है उसके अलावा? उसके अलावा यही शौक है, डॉक्टर ही बनना है, न्यूट्रिशनिस्ट इंशाल्लाह। ये एवे तो चिट्टा कोट नहीं पाया। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ लस्सी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बटर मिल्क। ओ यार बटर मिल्क, क्या सारी यूनिवर्सिटी बटर मिल्क। बटर मिल्क कैसे कहते हैं? थोड़ा बटर मिल्क होता है ना, आप देखें मिल्क लस्सी किस तरह से बनती है, दूध को वो कर करके उस तरह से बनती है ना, तो फिर अब यही हो गया उसका भी बटर मिल्क ही होगा ना, उसका बटर और वो मिल्क मिला। आपने इतनी तफसील से भी नहीं यार ये नहीं कहते। चलो मुझे ये बताओ ऐसी क्या चीज़ें जो लेनी भी पड़ती है और देनी भी पड़ती है? लेनी भी पड़ती है और पैसे लेते भी हैं देते भी। कितना प्यार है पैसों से? नहीं प्यार नहीं है, वैसे ही यही। कभी वो अपनी दोस्त को पैसे दिए और वो वापस ना दे रही हो? नहीं ऐसे नहीं हुआ। ज़रूर वापस मांगने होते हैं? नहीं मांगते नहीं है, बस हो लग गए तो लग गए बस। बड़े खुले दिल की हैं, मुझे भी धार दे दो। उधार उधार वाला काम नहीं रखा हुआ। तो यार वैसे दे दो फिर, उधार ना तो उधार में तो वापस कर दूंगी, वैसे दे दो। वो वाला भी नहीं ना रखा हुआ, फिर दोस्त बन जाए। चले थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अथर्ववास। ओ आपके नाम का क्या मतलब है? चमकती हुई चीजें, जैसे मेरा चमकता हुआ कट। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका शाइनिंग फेस। अच्छा मुझे बताओ क्या करते हो? मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट बन रहा हूँ फिफ्थ सेमेस्टर में। अरे सर मुझे आजकल सारे पढ़ाकू क्यों मिलते हैं? क्यों, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, मेरा पढ़ाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे है मेरा भी नहीं है लेकिन थोड़ा ऐसे सामने देखो। वैसे है मेरा भी नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ाई साथ साथ है, पढ़ाई साथ साथ ज़रूरी है। अच्छा मुझे ये बताओ लस्सी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पढ़ाई ज़रूरी है ना, तो मुझे जल्दी से बताओ। मिल्क वाटर मेरा ख्याल है, या नहीं पता मुझे। इतनी मुश्किल वैसे लस्सी को कहते हैं मिल्क वाटर आज से। ऐसी चीज़ें तो नहीं हमने पढ़ी ना। चलो सोचो फिर भी लस्सी को क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से मिल्क वाटर ही कहते हैं। मिक्स वाटर, हाँ इस तरह मिल्क एंड मिक्स वाटर यार। मिल्क मिक्स वाटर ना, नहीं पता। अच्छा चलो आसान पूछे ना। बहुत आसान है, लस्सी हम लोग पी पी के कमले हो जाते हैं गर्मी में। वैसे अब मैंने आज तक नाश्ता करके नहीं ना आते, इस वजह से मुझे नहीं पता। लस्सी भाई ज़रूरी नहीं है नाश्ते में। आप बताएं क्या कहते हैं? मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगी, अभी आपने नहीं बताया और अब आपको सजा मिलेगी। सजा क्या मिलेगी मुझे? सिट स्टैंड करेंगे आप। ये लड़की यहाँ से जाएगी फिर करूँगा। यार लड़की ने क्या कह देना है? मजाक बनाएगी? नहीं वो मजाक नहीं बनाएगी, उसने जवाब दे दिया था आपने। आप एक सीट स्टैंड करके दिखा दें आप। चलें जल्दी से करें, देखिए ये बात ही ना। चलो चलो अब आप मुझे ये बताओ ऐसी क्या चीज़ें जो लेनी भी पड़ती है उसके साथ साथ में देनी भी पड़ती है? आप यूनिवर्सिटी में खड़ी हैं, आप कैसे सवाल मुझसे पूछ रही हैं? इस सवाल को पूछने के लिए मुझे कहाँ पर खड़े होना चाहिए था? आप मुझे बता दें, मैं चढ़ गई हूँ ऊपर, ठीक है? प्लीज़ काइंडली चढ़े ना, नीचे उतर के बात करें मेरे साथ। तो फिर आप मुझे बताएं ना, आपने बात ही ऐसी सस्ती कर दी है। हो गई मेरी। अच्छा कहाँ से आए हैं? कौन सी? मैं आया जोहर टाउन से हूँ, लाहौर का ही हूँ। नहीं लग नहीं रहा मेरे सवाल का जवाब। और ये आपको मरीद के जवाब देती है। अच्छा वो दोबारा सवाल रिपीट करें। ऐसी कौन सी चीज़ें जो लेनी भी पड़ती है और देनी भी? इज्जत है कि इज्जत लोगे भी और साथ दोगे भी। टू सम एक्सटेंट कुछ ऐसा ही। सम एक्सटेंट तो कोई रोमांटिक भी जवाब हो सकता है। जवाब ही जवाब है आप देने वाले बने। हाँ तो लड़की की किस लेनी भी पड़ती है और देनी भी पड़ती है। ज़रूरी है ये, जाहिर है पहले यानी कि मैं लूँगा तो बाद में दूँगा। ज़रूरी है, मुझे नहीं पता था। चले आपने मेरे भी इलम में इजाफा कर दिया है। बहुत ज़रूरी है, अब देखिए ना आपका दिल कर रहा होगा और मैं नहीं दूँगा। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, बुरा है मेहरबानी आप अपनी सोच अपने तक रखें। काइंडली मेरा भी नहीं कर रहा, मैंने तो सिर्फ आपके अंदर से बात निकलवाई है। चले थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अनम। अच्छा अनम क्या करती हूँ? मैं MIT कर रही हूँ, सुपीरियर यूनिवर्सिटी से फोर्थ सेमेस्टर। सुपीरियर में क्यों लेने आई? बस गलती हो गई। यार ये सबकी गलती क्यों है? मैं सोच रही एक दिन इस पर शो ना कर लूँ। सुपीरियर में गलती से कैसे आए? मुझे ना आइडिया नहीं था दरअसल, तो ये इतनी बुरी है। मार्क्स मेरे अच्छे हैं, बस ये है कि आइडिया नहीं था थोड़ा सा। यार डर डर के पीछे क्यों जा रही है? इधर आओ ना और सामने देखो। मुझे ये बताओ लस्सी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लस्सी को योगर्ट मिल्क। गलत। कितनी लस्सी पी है आज तक? बहुत। कितनी लस्सी हराम की है इस लड़की ने? इसको अंग्रेजी में ये नहीं पता लस्सी को क्या कहते हैं, सोचो। ऐसे ऐसे आप बहुत प्यारी आओगे, ये मेरे से भी प्यारी आओगे। चलो मुझे बताओ लस्सी को क्या कहते हैं इंग्लिश में?
खाना बटर मिल्क कहते हैं, कहते तो नहीं है ये, फिर भी अगले सवाल पे चलते हैं। ऐसी क्या चीज़ें जो लेनी भी पड़ती है और देनी भी पड़ती है? पैसे, मनी। यार ये लड़कों को जवाब नहीं आया, लड़कियाँ सामने देख के बोलना। मनी, लड़कों ने किसी ने नहीं कहा पैसे, ठीक है? और आप देखें भाई सारी लड़कियां पैसे पैसे, कितना को प्यार है लड़कियों को पैसों से। बहुत क्या करती हूँ पैसों से? खर्च करती हूँ जो जो मेरे एक्सपेंसेस हैं। मुझे भी कुछ खिला दो। आप खिलाती हूँ जो आप कहती हैं। अभी कैमरा ऑन होकर हम सीधा कैसे जाएंगे? ठीक है, चले, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मिनाहिल असगर। अच्छा मिनाहिल, क्या करती हो? BBTM, बायोटेक्नोलॉजी। ओके, बायोटेक्नोलॉजी। देखो इतनी इतनी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। क्या कोई बात ही कर दो आगे से, लड़की क्या हो गया, लड़कियाँ इतना बोलती हैं। हम मैं क्या बताऊँगा बस। अच्छा फिर मुझे ये पता, लस्सी के इंग्लिश में क्या कहते हैं? बटर मिल्क। नाजरीन, इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से गलत जवाब दिया और सामने देखो कैमरा उधर है। बटर मिल्क ही कहते हैं उसको। बटर मिल्क नहीं कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं फिर? कुछ और कहते हैं। नहीं कहते हैं। ये नहीं कहते हैं, ये कहते हैं। अच्छा चलो, ये नहीं कहते हैं, सोचो क्या कहते हैं, कुछ और कहते हैं। लस्सी को मेरे ख्याल है यही कहते हैं। चलो मुझे ये बता, ऐसी कौन सी चीज़ें जो लेनी भी पड़ती है और देनी भी पड़ती है? पैसे। जवाब पे पहुंच गई है ये लड़की, लड़कियों को पैसों से बड़ा प्यार होता है। लेने भी पड़ते हैं, नहीं पड़ते हैं। ऐसा ही है, चले थैंक यू सो मच। जी तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई, क्योंकि मेरा पहला सवाल ये था लस्सी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लस्सी को बटर मिल्क, योगर्ट मिल्क ये सब नहीं कहते हैं, लस्सी को कहते हैं लस्सी। बस थोड़ा सा मुँह टेढ़ा करके डिंगा चिपा करके बोलना। और दूसरा सवाल ये था, ऐसी क्या चीज़ें जो लेनी भी पड़ती और देनी भी पड़ती, इसका जवाब था पैसे। मज़ीद ऐसी इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल डिजिटल हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपनी होस्ट अल्फाज़ लियाकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।